जी गोद भराई की रस्म हमें भी काफी अच्छा लगता है। किसको नहीं शौक होता है इस तरह का कुछ फेस्टिवल हो, जब सारे लोग इकट्ठा हो और यह एक स्पेशल मोमेंट होता है। लेकिन जी हम गोद भराई की रस्म नहीं करने वाले। गुड मॉर्निंग जी, अभी देख सकते हैं पीछे सो रहे हैं। अभी तक प्रतिदेव सुबह उठे थे फिर सो गए। इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इस वजह से सो गए। अब मैं अभी सबको चाय दे दी हूँ और वॉशिंग मशीन में जो भी कपड़ा था सारा डाल दी हूँ और प्रतिदेव सो रहे हैं तो मैं अनार छील लेती हूँ तब तक, नहीं तो उठेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है उनका ये कि तुम अनार खाई, अनार छीली, इससे पहले कि कुछ बोले मैं अनार छील लेती हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना सारा काम कर लिया है, उसको यहीं रख दिया है और सो गए। हमने तो अनार छीन लिया और सुबह सुबह भी डैडी को उठ जाते हैं तो माँ ने डैडी को नाश्ता दे दिया है। सुबह दही चूड़ा या फिर दही रोटी खा के जाते हैं और इधर चाय बन रहा है। हम तो चाय एक बार ही पीते हैं सुबह बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। इधर हमने सारा अपना कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया है क्योंकि आजकल हम खुद से नहीं धो पा रहे, झुक नहीं पा रहे हैं। तो सारा कपड़ा होता है जो एक हफ्ते का वो एक दिन में मैं धो लेती हूँ वॉशिंग मशीन में। और इस इंसान को देख सकते हैं बस करवट बदल रहे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। टाइम हो गया, उठ जाइए। अब ये समझ रहे हैं कि कैमरा ऑन है, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ये सपना देख के उठ रहे हैं। इडली सांभर का कौन बेच रहा था? एक बूढ़ा था वो बेच रहा था। अच्छा, आप खरीदे क्या नहीं उससे? 25 रुपया में मिल गया आपको? खा भी लिए? उठा दी तो। उठा दिए? अच्छा, तो भूखे हैं आप, फिर खाना है क्या? सोके सपना भी खाने का आता है ना। जी मैं आप में से कई लोगों के कमेंट देख रहा था और पूछ रहे थे, दिया जब अपने प्रेगनेंसी के छठे महीने में थी तो उस समय जो है दिया के चेहरे पर काफी ज्यादा डार्क सर्कल थे, काफी ज्यादा पिंपल्स थे, एक्ने थे, वो सब आप लोग नोटिस कर रहे थे। तो जिया ने बताया भी था कि हाँ ऐसा कुछ है। तब जिया जो है जी उस समय स्किन डॉक्टर से कंसल्ट की और स्किन डॉक्टर से कंसल्ट की क्योर स्किन ऐप के जरिए, जहाँ पर आपको डर्माटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं और आपकी स्किन की जो है प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है उसके अनुसार आपको जो है वह किट रिकमेंड करते हैं। तो जिया उसको प्रॉपर यूज किए, उसको यूज करने के बाद जिया को बहुत फायदा हुआ है। अब देख रहे ऑलमोस्ट डार्क सर्कल और पिंपल जो भी प्रॉब्लम था स्किन का अब जो बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुका है। तो चलिए जी आप बात क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं जिया का सीधे 6 मंथ में क्या हाल था और अभी क्या हाल है। तो यहाँ पर जिया अपना फेस जो है स्कैन कर रही है क्योर स्किन ऐप से। स्कैन करने के बाद जो है पता चल जाएगा फ्रंट कैमरा उनका स्विच कैमरा है, तो अभी आपको दिख जाएगा जी इसके ऊपर कितना डार्क स्पॉट है और कितना यहाँ पर। यहाँ जिया के फेस का स्कैनिंग चल रहा है जी क्योर स्किन ऐप से, अभी आपको पता चल जाएगा। एक जगह डिटेक्ट हुआ है सिर्फ और बाकी जगह डिटेक्ट नहीं हुआ है कहीं भी नहीं। और अब आपको दिखाते हैं जी जिया का क्या हाल था ठीक आज से 2 महीना पहले, जब जिया का छठा मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का। ले ली फोटो, इसके बाद वो स्कैनिंग कर रहा है, देख सकते हैं जी यहाँ बता रहा है कि जिया के कहाँ कहाँ पर पिंपल्स है। देखा जी आपने जिया की स्किन में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है और यह सब सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योर स्किन ऐप की वजह से। वैसे तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी फेस से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, बहुत लोग जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप जाइए क्योर स्किन में। बिल्कुल, ऐसे समय में अच्छा रहता है कि आप किसी स्किन डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, बहुत सारे लोग आपको सलाह भी देते हैं जी। देखिए वो अपनी तरफ से अच्छी सलाह दे रही होते, लेकिन सबसे अच्छी सलाह रहेगी स्किन डॉक्टर की। तो क्योर स्किन ऐप में जो है आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट जो है आपको एक असाइन कर दिया जाता है, वहाँ आपके स्किन की प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अनुसार जो भी डाइट होता है, जो भी किट होता है वो आपको असाइन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जी यहाँ पर रेगुलर 15 से 20 दिन में वो सभी फॉलो अप लेते रहते हैं और इन सभी फॉलो अप और कंसल्टेशन का जी कोई भी फीस नहीं देना पड़ता आपको, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी। यहाँ पर जो डर्माटोलॉजिस्ट है रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जाकर के बातें कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इन्होंने अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाया था तो इनको भी बहुत ही फायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये प्रॉब्लम था डार्क सर्कल का, जो कि डार्क सर्कल जो है अब खत्म हो चुका है, इनको तो बहुत अच्छा लगा। प्रॉब्लम था लेकिन अब ठीक हो रहा है। और जिनको भी पता नहीं है कि कैसे हमें डॉक्टरों से बात करना है, कैसे क्योर स्किन यूज करना है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जी, उसका लिंक डाल देंगे जी डिस्क्रिप्शन, आप उसको जाकर के डाउनलोड कर लेना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हेयर से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर बेहिचक जाइए। तो ये लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जिनको भी स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तो इस ऐप को डेफिनेटली डाउनलोड करें और जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो जी रामनवमी हो गई खत्म और जिया जो है अपना नहा करके हो चुकी है तैयार और अपने पूजा की तैयारी कर रही है। देख सकते हैं पूजा का बर्तन अपना धो रही है और हम भी चल करके नहा लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है लगभग 10:30, तो जल्दी से जा करके नहा लेते हैं। और मौसम आजकल जो है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ तुम पूजा करो, मन शुद्ध रखो एकदम, ठीक है चलते हैं जी। नान जी हो गया हमारा स्नान और अब जो है अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। बोलते हैं 1 घंटा पर प्लानिंग होता है।
यहाँ आज खाने में लगा है जी कटहल की सब्जी जो कि हमें काफी ज्यादा पसंद है और साथ में सलाद। नमक की जरूरत है, कहाँ है ये? आया ये काला नमक। और मम्मी यहाँ पर मेरे कुछ हरकतों से परेशान है, वो कह रही है कि हर घंटे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। नींबू शायद हो गया है 250 रुपया किलो। जी अभी हम सोए हुए थे और गेट जो है माँ लॉक की और बोले कि कोई आया हुआ है। हम कहे कौन आया हुआ है भाई, तो उठे तो मम्मी बताई कि मानस आया हुआ। जी हाँ वही मानस जिसका जो है जनऊ आपको दिखाया था कुछ दिनों पहले, यहीं से उसकी ट्रेन है कटिहार से ही, तो यह आया हुआ अभी बाथरूम में, तो मिलवाते हैं उससे आप लोगों को। तो मिली हमारे भाई मानस से जी जिसका जनऊ आपको दिखाया था, इसका ट्रेन आज ही है। तो ट्रेन कौन सा है तुम्हारा? राजधानी है, शाम में 2-4 बजे है, तो उसी से जाएगा यार। मेरा भांजा राजधानी से चलता है, उसका बाप चला था कि दादा कोई नहीं, बेटा तरक्की किया है, बेटा चल रहा है अब। बेटा चला, इसके लिए भगवान का चरण का शुक्रगुजार है कि मेरा भांजा बहुत आगे बढ़े और हमको तो बोलने का अधिकार है इसलिए हमेशा बोले। तो देख सकते हैं एक थाली चिप्स था उसको लेकर लिए और इधर भी है चिप्स, तो मेरा पूरा इधर तल गया और इतनी और सबके लिए खाना लगा रही है, सबको खाना देगी क्योंकि डैडी का हमें बहुत टाइम लग जा रहा था, तो बोले तुम लोग खा लो, तो सब कोई डैडी का वैसे अभी तक इंतजार कर रहे थे, अब सब खाए और इधर मैं चिप्स तो जिया यहाँ पे यहाँ पी रही है जी, सहसे जैसे ही जिया यहाँ सहसे पीती है मूवमेंट शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है, अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो मेरा भाई मानस जी अब निकलने वाला है, उसके ट्रेन के आने का समय हो गया है, तो जल्दी से चलते हैं उसको लेकर के। जी अभी इसके ट्रेन के आने में थोड़ा समय था तो सोचा कि चलिए यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पे समोसा खिला देते हैं। समोसा कहीं नहीं लगा, यहाँ भी खाए हुए। तो जी भाई को तो यहाँ पर छोड़ दिया, अब सीधा चलते हैं घर। वहाँ पर है हमारा जी वर्किंग स्टेशन और यहाँ पर जिया का आराम का स्टेशन है ना, तो जिया का सर दर्द कर रहा है। ये लो भिक्स, और इस भिक्स को जिया कितने दिन तक यूज करेगी भगवान जाने। ये खत्म हो चुका है, इसमें निकाल। ये कौन सा शौक है, बड़े नवाबी शौक है आपके? क्योंकि एक डब्बा खोएगा दूसरा नहीं खोएगा। वाह गजब लॉजिक, थोड़ा सा ही है देखते। वाह डालती रहती है उसमें से, निकाल के इसमें डाल देते हैं तो खो जाता है, एक खोएगा तो एक ही डब्बा खाएगा, खोएगा दूसरा नहीं ना खोएगा। बहुत ही बढ़िया। पंडित जी हमारी हो गई पेट पूजा और माँ का भी उधर हो गया, आज खाने में था चिप्स और भी ज्यादा मजा आ गया, कुछ स्वाद चिप्स का बढ़िया। नेक्स्ट डे अभी अभी, अभी आए हुए हैं वॉक करने के लिए और सुबह देख सकते हैं जी मौसम बड़ा मस्त है। जी अपना यहाँ पर सारे कपड़े फैला रही है, इसी में इसका अच्छा खासा एक्सरसाइज होने वाला है। हो गया सारा फैलाया हुआ, कौन सा वाला? हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बादल लगा हुआ है, रात से यह बादल लगा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कब होगी बारिश भाई साहब? अब हो जाओ इंद्र देवता, कृपा करो अब। जी नहा धो करके एकदम हो गए हैं फ्रेश, मम्मी भी आ गई, मम्मी भी अब जो है खाने की तैयारी करेगी, लेकिन सोचा कि पहले एक सवाल का जवाब दे देते हैं फिर जो है सभी लोग खाने के लिए जाएंगे वहाँ पर। ये प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किए हुए मुझे लगता है कि अच्छा खासा समय हो गया है, उसके अनाउंस करने के बाद जो है कई सारे कमेंट आए, ढेर सारे कमेंट देखे आपके, ढेर सारे सवाल आए, सभी सवालों का हमने जवाब दिया, बस एक सवाल जो है उसमें रह गया था और उसका आप लोग बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, वह है जी गोद भराई की रस्म। जी हाँ आपके यहाँ गोद भराई की रस्म कब होगी भैया? गोद भराई का वीडियो देखना है, बहुत इंतजार कर रहे हैं जी। गोद भराई की रस्म हमें भी काफी अच्छा लगता है, इसको नहीं शौक होता है इस तरह का कुछ फेस्टिवल हो जब सारे लोग इकट्ठा हो और यह एक स्पेशल मोमेंट होता है, लेकिन जी हम गोद भराई का रस्म नहीं करने वाले। जी हाँ सही सुना आपने, हम गोद भराई का रस्म जो है नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है गोद भराई की रस्म होती नहीं है ना दीदी, ऐसा कुछ गोद भराई जहाँ तक हम टीवी सीरियल और सिनेमा में नहीं देखे, क्योंकि मेरे मैं के ससुराल या मेरा कोई रिश्तेदार की ये चीज नहीं मनाया गया, तो जो चीज नया है हम कोशिश करते हैं वो चीज मेरा नहीं, क्योंकि वैसे हम ना परम्परा के विरुद्ध जाते हैं ना अपने परिवार के रीति रिवाज के विरुद्ध, और यह एक बहुत खुशी का क्षण है, इसलिए ऐसा कोई नया चीज़ हम करना नहीं चाहते ताकि हमको इसके लिए अफसोस रहेगा, जो नहीं होता तो वो हम इसलिए ऐसा हो गया।
बिल्कुल जी, इसलिए मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हमारे यहाँ जी और भी ढेर सारा चीज होता है, ढेर सारी रस्में हैं, जैसे छठी का हो गया, आगे भी कुछ कुछ सब होता रहता है। सबको बच्चा होने के बाद छठी का रस्म मेरे यहाँ बहुत अच्छा होता है, बढ़ी का भी रस्म होता है। उसके बाद सवा महीना बाद शुद्धिकरण की पूजा की जाती है, उसके बाद जिसको भगवान जितना ऐसी है पार्टी कीजिए, भोज कीजिए, जो भी कीजिए, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन गोद भरा का रस्म आज तक मैंने कभी नहीं देखा, न अपने मायके में ससुराल न अपने किसी रिश्तेदार के, इसलिए हम कोई नया मूवमेंट नहीं कर। तो उम्मीद करता हूँ जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि हम गोद भराई की रस्म क्यों नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आगे जो भी मोमेंट होगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी रस्म होगा। बस आप लोग भगवान से दुआ करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जो भी हमारा आए, लड़का हो या लड़की, कोई भी आए तो स्वस्थ ही आए। बस ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं कि भगवान दीजिए वह खाली अपंग नहीं हो, दिमागी रूप से स्वस्थ हो, शरीर उसका स्वस्थ रहे। बिल्कुल, बस इतना ही भगवान सबको, और बेटा बेटी को मायने नहीं रखता है। जवाहरलाल को एक एक बेटी थी इंदिरा गांधी, तो भारत में कितनी बेटी है इंदिरा गांधी, तो उस रूप में अपनी बेटी को देखते हैं। और मैं एक साधारण सी अफसर थी, तो जब मैं पालन कर सकती, मैंने अपनी डिग्निटी को देखा, मुझे लगता है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। आज के युग में सबका सोच ऊंचा, मैं अपने लिए नहीं, समाज के 80% माँ बाप जो है अब इस सोच से ऊपर हो गए कि हमको बेटा हो या बेटी, वो सबको गोद लगा लेते हैं और बेटा बेटी पर समान पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। आई एक्सेप्शन तो सब में आता है, प्रार्थना करते हैं सब कुछ अच्छा रहे, और जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मैं हर पल ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप लोग के सहयोग से मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुँचा, मेरे बेटा को आप लोगों ने पहचान दिया, जिसके लिए मैं हर पल आप लोगों का शुक्रगुजार रहती हूँ। और भगवान की दया होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, और हम लोग आपका दुआ भगवान से मांगते हैं। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन तो जरूर दबा लीजिएगा, ताकि बिल्कुल जी साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।